नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू गाइस, उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ओके, सो आप लोगों के लिए मैंने ये प्यारी सी एमेथिस्ट की क्रिस्टल बॉल आज चूज करी है इस सेशन के लिए। काफ़ी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि काफ़ी इन डेप्थ ये सेशन होने वाला है। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन, ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है अपनी तरफ से, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ईश्वर से प्रे कर सकते हैं, और जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनके नाम को आपने 3 बार अपने मन में रिपीट करना है एंड उनके चेहरे को विजुअलाइज करना है। इस पर्सन के फेस को आप क्रिस्टल बॉल के अंदर भी विजुअलाइज कर सकते हो रीडिंग के दौरान। ओके, सो चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उन लोगों के लिए जिनकी कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, भाई लेट्स सी सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी जो है वो आपके प्रति कैसी है। मुझे यहाँ पर सबसे पहला हिंट तो एक टावर मोमेंट का आ रहा है। ओके, एज इन आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने रिलेशनशिप में टावर मोमेंट एक्सपीरियंस किया है इस पर्सन के साथ में, और अचानक से बहुत सारे लोगों की जो कन्वर्सेशन है वो बंद हो गई है, अचानक से बातचीत जो है वो बंद हो गई है। और काफ़ी सारे लोगों के साथ में ये सिचुएशन है कि ना आपको क्लैरिटी है ना सामने वाले पर्सन को क्लैरिटी है क्या क्या कि बात तो बंद हो गई है बट उसका रीज़न क्या है, या कोई बहुत ही बेतुकी सी चीज़ थी, कोई बहुत ही बेमतलब की कोई बात थी जिसकी वजह से अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हुई है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सामने वाले पर्सन को भी ये चीज़ फील हो रही है कि काफ़ी सारे लोगों के पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि बात शायद इतनी भी सीरियस नहीं थी जितना कि उसको बना दिया गया है, एंड जैसे तिल का ताड़ बना दिया गया है और ज़रा सी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे करके छोटे से इशू को बहुत बड़ा कर दिया गया है। एंड आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स एंड टॉक्सिक बिहेवियर दोनों का रहा है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, कई लोगों में हो सकता है कि किसी एक इंसान की तरफ से ही हुआ हो, बट मुझे ज़्यादातर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों लोगों का इक्वल इन्वॉल्वमेंट रहा है, हैविंग दिस टॉक्सिक बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि ये इंसान अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ये गलती पे गलती करे चले जा रहे हैं और इनकी गलतियों का कोई अंत नहीं हो रहा है, या कभी अपनी लाइफ में ये अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं कि कभी लाइफ में कोई रिश्ता ऐसा होगा जो ये संभाल पाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होने लगा है कि इनके तो हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई दरार आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टकराव हो रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये आजकल के टाइम में महसूस कर रहे हो, या इनकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं जिनमें इनको फील हो रहा है कि ये जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं या जो भी लोग इनकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं उनके सबके साथ में इनके कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सबके साथ में इनके रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं। मे बी इनके जो वीनस की एनर्जी है वो बहुत अच्छी नहीं है। इस इंसान को मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी एंड मोस्टली नेगेटिव थिंकिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ब्लेमिंग द अदर पर्सन, अपनी गलती के बारे में जानते हुए भी सामने वाले व्यक्ति को ब्लेम करते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, विच इज़ नॉट अ वेरी नाइस थिंग, इट इज़ अ टॉक्सिक एटीट्यूड, एंड आई फील कि ऐसा शायद हुआ होगा या ऐसी चीज़ रही होगी पहले भी आप लोगों के कनेक्शन में, क्या इनकी मिस्टेक होती होगी और ये आपको ब्लेम करते होंगे। गैस लाइटिंग वाला बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। यहाँ पर बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में स्टेप इन किया है जिन्होंने, वो बिना किसी क्लैरिटी के उन्होंने स्टेप इन कर लिया है, बिना कुछ सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग अबाउट रेपरकशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में खास तौर पे सोचना चाहिए था, कोई बहुत मेन फैक्टर था, उसको इग्नोर करके फिर रिलेशनशिप में एंटर कर गए हैं। तो कई लोगों ने जानते बूझते कुछ गलती करी है, मिस्टेक करी है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक तरीके का ना ये कार्मिक रेपरकशन भी आ रहा है कि अपना ही कोई कर्मा है वो वापस लौट करके आ रहा है और ये सफरिंग आ रही है। ये मैसेजेस आप दोनों के लिए हैं, व्यूअर के लिए भी हैं और जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी हैं, ठीक है। सेकेंडली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिस्पाइट ऑफ दिस सेपरेशन और डिस्टेंस, अभी भी आपकी जो मेमोरीज हैं वो इस इंसान के दिमाग में घूमती रहती हैं, एंड इट सीम्स लाइक यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर देम। और जैसे इनका यूनिवर्स अभी भी कहीं ना कहीं आप ही या आसपास घूमता रहता है, ये बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चलती रहती हैं जो आपसे जुड़ी हैं, आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हैं। एक अफसोस की फीलिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस इंसान को अफसोस है जो भी हुआ है उन सब चीज़ों का। अनदर थिंग, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ऑफ कोर्स क्या दोबारा कन्वर्सेशन होने के चांसेस हैं। तो फॉर 70% पीपल जो रीडिंग देख रहे हैं, ऑफ कोर्स चांसेस है कि ये व्यक्ति दोबारा से वापस आकर के आपसे कनेक्ट करेंगे। मुझे बी लेटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बी से बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है, या बी डबल ओ किसी के नाम में आ सकता है, डी दिखाई दे रहा है, और मुझे एक समय दिखाई दे रहा है जो कुछ ऐसा जो कृष्ण पक्ष के दौरान हुआ है। ओके, अगेन बहुत सारे लोगों को शायद ये टर्म नहीं पता होगे, वेनिंग मून पीरियड, बट आई फील के इमोशंस जो है या नेगेटिविटी जो है वो ये कम करना चाहते हैं सिचुएशन से। यस, एंड इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गए हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं, लाइक दिस पर्सन इज जंपिंग अराउंड इधर से उधर इधर से उधर, और इनको कहीं पर भी वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पा रहा है, ना अपने साथ ना दूसरे लोगों के साथ में। र दिखाई दे रहा है मुझे, आर से काफ़ी सारे लोगों का नाम है, डी से काफ़ी सारे लोगों का नाम है, इनकेस मैंने मेंशन नहीं किया है। वी दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग। अनदर थिंग, इनको एंडिंग दिखाई दे रही है, एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, समथिंग इज़ फिनिशिंग, समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड इनकी लाइफ में। इन जनरल मैसेज हो सकता है ये कि इनकी लाइफ में कोई चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और अब ये किसी अगले स्टेज में एंटर कर रहे हैं। ये मैसेज आप लोगों की जर्नी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है कि आप लोगों की जर्नी में आप जो है एक स्टेज को ख़त्म करके और फिर अगले स्टेज में आप एंटर कर रहे हो। सो एक एवोल्यूशन हो रहा है, मैं थोड़ा रुक रुक करके बोल रही हूँ, प्लीज़ बेयर विद मी। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो की स्पीड जो है वो धीरे है तो प्लीज़ आप सेटिंग्स में जाकर के स्पीड को फास्ट कर सकते हो, बिकॉज़ मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए मैसेजेस चैनलाइज करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो कुछ हर्डल्स हैं बट उसके बाद भी चीज़ें जो एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड मूव करती जा रही है, जैसे एक नदी जो है वो चट्टानों के ऊपर से बहती चली जाती है, चट्टाने रोक नहीं पाती हैं उसको, राइट, नदी उस ऊपर से बह जाती है। सो वैसे ही मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, वैसे ही मुझे ये जर्नी दिखाई दे रही है, लॉट्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स बट इट इज़ नॉट स्टॉपिंग। एनर्जी को जिस डायरेक्शन में जाना है वो उस डायरेक्शन में जाएगी जो आप लोगों के लिए लिखा है, दैट इज़ मेंट टू हैपन। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली जो आप लोगों के इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का जो गोल है ना,
या एक एंड स्टेज जहाँ तक ये रिश्ता मैक्सिमम जा सकता है, वहाँ तक काफ़ी सारे लोग जो है वो जल्दी पहुँचने वाले हैं. फॉर सम पीपल इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइम पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, फॉर सम पीपल इट कैन बी अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. अभी से लेकर के जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, सो जब भी आपकी एनर्जी के अनुसार ये रीडिंग वाइब्रेट करके रेजोनेट करके आपके सामने आएगी, उस समय से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो. यस, एंड टाइमिंग्स भी जनरल रीडिंग में टाइमिंग्स एक्यूरेट बैठती हैं, जब मोस्ट पार्ट 80% से ज़्यादा रीडिंग आपके साथ में अगर रेजोनेट कर रही है. ठीक है, सो गाइज आज का ये सेशन हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं. बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आए हैं. आई रियली होप कि इस डिविनेशन सेशन के द्वारा मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई हो, अपने पर्सन की एनर्जी आप समझ पाए हो, थोड़े सिचुएशन को लेकर के आपको क्लैरिटी मिली हो. ओके, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिए गाइज. एनर्जी एक्सचेंज नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली. और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप क्रिस्टल बॉल रीडिंग देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बता दीजिएगा. व्हाट्सएप पे जो हमारा चैनल है उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पर भी कनेक्ट हो जाइए. बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट डिस्काउंट्स, कोर्सेज, डेली रेमेडीज और वीकली हॉरोस्कोप्स जो है मैं शेयर करती हूँ, सो उनसे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है. बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. हरि ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी. सीखिए टैरो बाय टीजे के साथ टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमेरोलॉजी, एंजल हीलिंग, फेस रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, लामा फेरा और अनेकों ऐसे कोर्सेज जिनसे आप अपना और दूसरों का जीवन आसान बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें.